बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राजपेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि चैनल से काफ़ी देर से जो है वो मैं आउट हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स भी अपने सामने लिखे हैं जिसके वजह से आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिल जाए चैनल के हवाले से। माइक भी थोड़ा मसला कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग के अंदर जो थोड़ी बहुत उसकी एक्वेशन हो सकती है वो मैं कर लूँ, लेकिन इंशाल्लाह इतना मसला नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा मसला आए भी उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो ईद से पहले से तकरीबन जो है वो लास्ट वीडियो आई थिंक सो बनी हुई है, जो मैंने ड्रेस की बनाई थी ना। ठीक है, सो ईद के बाद आके मैंने एक दो जो ड्रेस शॉर्ट्स हैं वो भी अपलोड किए थे। ठीक है, वो आपने देखे होंगे, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, ईद से पहले बेसिकली आपको पता है कि ऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा जो है वो लोड एकदम आ गया था। कस्टमर्स को थोड़ा पता भी होगा उस बारे में, जिसकी वजह से जो है वो चैनल के ऊपर से कोई वीडियो अपलोड जो है वो नहीं की गई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ईद के अंदर जो लास्ट डे हैं जिन्होंने कस्टमर्स ने ऑर्डर किए थे, काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर्स को नहीं मिल पाए। ठीक है, कुछ कस्टमर्स को इस वजह से भी नहीं मिल पाए कि वो एक दफ़ा सिर्फ अटैम्प्ट हुई है तो कॉल्स वगैरह गई हैं, उन्होंने कॉल्स वगैरह पिक नहीं की तो वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं हो पाए, वो ऑर्डर हमें वापस आ गए हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी कस्टमर ऐसा जिसको ऑर्डर किया था लेकिन उसको नहीं मिला और वो उसको ऑर्डर को दोबारा कैरी करना चाहते हैं, तो वो लाजमी जो है वो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर जो है वो लाजमी दोबारा से मंगवा लें। ठीक है, अच्छा तीसरी बात यह है कि जो करंट सिचुएशन है मुल्क की, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी एकदम से। इवन कि इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि हमें जो अपने सारे जो हमारे एड्स वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, हमें वो सारे एड्स जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशन कब तक चलती है और इसका इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आपने उसमें ये करना है कि आपने सबसे पहले इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू आपने अगर कोई ऑर्डर वगैरह करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा नंबर टू, जो ऑर्डर्स चले गए हुए हैं इनके, जो कल और परसों जो है वो ऑर्डर डिस्पैच हुए हैं, ठीक है, वो ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे लेकिन उसमें थोड़ी सी डिले हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि रस्ते वगैरह सारे बंद हैं वैसे ही। ठीक है, सो काफ़ी कस्टमर्स के ऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं क्योंकि ईद के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स को हमने कॉल्स करके कन्फर्म किया है और वो ऑर्डर्स हमने दोबारा जो है वो डिस्पैच किए हैं, वो ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। आपने कॉपरेट करना है और आप जैसा हमेशा कॉपरेट करते हैं हमारे साथ। ठीक है, सो मुल्क की करंट सिचुएशन के हवाले से आपके लिए राजपेट की तरफ से पैगाम ये भी है कि आपने अगर कोई भी एहतजाज वगैरह करना है तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी, क्योंकि आपको पता कि आप जो भी नुकसान करेंगे वो आपके अपने पैसों से बना हुआ है, आपके अपने पैसों से वो गाड़ियाँ बनी हुई हैं, आपके अपने पैसों से जो है वो मेट्रो स्टेशन भी मैं देखा था वीडियोज में वो जलाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है उनका नुकसान किया है हम सब ने मिलके। ठीक है, सो आपके लिए राजपेट की तरफ से ये पैगाम है कि आप इन चीज़ों से बिल्कुल बाज आ जाएं और ऐसा ना करें, क्योंकि ये कल आके आपके टैक्सेस के थ्रू ये चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड होंगी। सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी जो इसके बाद की चैनल की अपडेट क्या होगी, वो ये होगी कि चैनल इंशाल्लाह ताला आप दोबारा से ग्रो करेगा। काफ़ी ज़रा प्लान जो है वो पाइपलाइन में है, काफ़ी ज़रा ब्लॉगर्स के थ्रू, ब्लॉगर्स के थ्रू जो है वो, इवन के सेलिब्रिटीज़ के थ्रू भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं चैनल को जो है वो ड्रेसेस की वीडियोस जो है वो लाजमी अपलोड करता रहूँ। ठीक है, आपने आगे भी बहुत ज़रा हमारा साथ दिया, आपने आगे भी कोऑपरेट करना है, चैनल को लाजमी जो है वो वीडियोज़ को एंड तक देखा करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करवाया करें और ख़ुद भी जो है वो जो वीडियोज़ देख के सब्सक्राइब किए वगैरह चले जाते हैं वो लाइव सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी बनी है लेकिन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने समझा कि मैं आपको लाजमी दूँ। अच्छा, चैनल से गायब होने की वजह ये भी थी कि हमारे कुछ फैमिली इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से चैनल के ऊपर काम नहीं हो सका। ठीक है, और काफ़ी ज़रा उसकी वजह से हमने काम और जगह पे भी हमने जो है वो काम नहीं किया उस फैमिली इंसिडेंट्स की वजह से। कुछ मेरी अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन रही है इन सारे दिनों के अंदर। सो इंशाल्लाह कोशिश है कि आप नेक्स्ट एक नए तरीके से, एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे और एक न्यू तरीके से जो है वो आपके लिए ड्रेसेस को लेके आएंगे। अभी तक के लिए इतनी, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होंगे तो काम जो है वो दोबारा से रनिंग में आना शुरू हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस टाइम यूट्यूब पर, कितना यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है, जो हमारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोरियर वाले हैं,
बिजनेस है, हर चीज का नुकसान एक साथ एकदम से कितना ज्यादा दो दिन के अंदर हो गया होगा, आप इसका आइडिया जो वो कर सकते हैं। सो मुल्क के लिए दुआ भी करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करें और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।